उदाहरण 6, क्या 63,000 रुपये को 3 छात्रों ए बी व सी में 5:7:9 के अनुपात में बांटकर 500 रुपये के नोटों में वितरित कर सकते हैं? यदि हाँ तो बताइए प्रत्येक को कितने कितने रुपए मिलेंगे। हल, छात्र ए बी व सी को 63,000 रुपए बांटने से प्रत्येक को क्रमशः 5, 7, 9 रुपए रुपए मिलेंगे। अर्थात हमारे पास प्रश्न में दिया है कि कुल जो है 63,000 रुपए तीनों छात्रों में बांटे गए हैं, इसीलिए हम लिखेंगे अर्थात 5 के धन 7 के धन 9 के बराबर 63,000। पाँच के सात के और नौ के का योग जो है वो 21 के बराबर 63,000 या के बराबर 63/21 हजार। 21 एकम 21, 21 दिया 63 बराबर 3,000। अतः छात्र ए को 5 के बराबर के का मान हमने 3,000 निकाला गुणित 3,000 बराबर 15,000 रुपये मिलेंगे। इस तरह से हमने छात्र ए को 5 के 5 × 3,000 बराबर 5 या 15,000 रुपये मिलेंगे। उसी तरह से हम छात्र बी का हिस्सा निकालेंगे। बी को हमने माना था छात्र बी को 7 के रुपए मिलेंगे, तो 7 × 3,000 बराबर 21,000 रुपए मिलेंगे। इसी तरह से छात्र सी को 9 के बराबर 9 × 3,000 बराबर 27,000 रुपए मिलेंगे। तो हमारा जो उत्तर जो है, एक छात्र ए का हिस्सा 15,000 रुपए, छात्र बी का हिस्सा 21,000 रुपए, उसी तरह से छात्र सी का हिस्सा जो है 29,000 रुपए प्राप्त हुआ। अतः यह राशि 500 रुपए के नोट में वितरित की जा सकती है। यह इस प्रश्न का हल होगा। उदाहरण 7, किसी व्यवसाय की साझेदारी में व्यापारी ए व बी की पूंजियों में
3:2 का तथा व्यापारी ए व सी की पूंजियों में 2:1 का अनुपात है। व्यापार में ए बी व सी को कुल 1,78,100 रुपये का फ़ायदा होता है। ए बी व सी को कितना कितना हिस्सा मिलेगा? हल, चूंकि व्यापारी ए और बी का अनुपात, ए और बी का अनुपात हमारे पास दिया है 3:2, इसी तरह से व्यापारी ए और सी का अनुपात जो दिया हुआ है वो 2:1। यहाँ पे हम देखते हैं ए का हिस्सा, ए का अनुपात यहाँ 3 है, जबकि ए अनुपात सी में यहाँ पे इसका अनुपात 2 है। इन ए के अनुपातों में विभिन्नता होने के कारण इसको एकरूपता में लाने के लिए हम इसे इस अनुपात को हम 2 से गुणा करेंगे तो यह बन जाएगा हमारा 6:4। उसी तरह से ए अनुपात सी जो कि 2:3 है, इसको 2/1 को अंश और हर में कहीं हम 3 से गुणा करेंगे तो इसका अनुपात बन जाएगा 6:3। चूँकि व्यापारी ए व बी की लागत पूंजी का अनुपात 3:2 है और ए और सी के राशि का अनुपात 2:1 है, इसीलिए इनका पारस्परिक अनुपात निकालने के लिए ए के साथ संबंध को समतुल्य बनाना होगा। इसके लिए हम व्यापारी बी व ए की लागत पूंजी का अनुपात देखते हैं। यह अनुपात 3:2 अर्थात 6:4 और ए अनुपात सी जो है वो 2:1 है, तो 6:3। जब हम ए अनुपात बी अनुपात सी के रूप में लिखेंगे इसे तो ये हो जाएगा 6:4। 6:4 ए अनुपात बी का है और बी अनुपात सी के लिए हमारे पास जो हो जाएगा 6:4:3 के रूप में होगा। इसी तरह से अब इनके व्यवसाय में लागत पूंजियों के अनुपात 6:4:3 में ही फायदा बांटेगा, अतः इन्हें हम 6, 4 व 3 के रुपए, इन तीनों को ए बी और सी को 6, 4 व 3 के रुपए मिलेंगे। इसलिए 6 × 4 × 3 के बराबर 1,78,100 रुपये कुल तीनों व्यापारियों में व्यवसायियों में बांटे जाएंगे। तो 6 × 4 = 10, 10 × 3 = 13 के बराबर 1,78,100। उसी तरह से k का मान 1,78,100/13 या k बराबर 13,700। अतः एक को प्राप्त लाभ बराबर 6 × 13,700 रुपये को हम 6 से गुणा करेंगे तो 82,200 रुपये प्राप्त होंगे ए को। उसी तरह से बी को प्राप्त लाभ बराबर यह है 4 × 13,700
700 बराबर 54,800 रुपये। उसी तरह से बी को प्राप्त लाभ बराबर, इसी तरह सी को प्राप्त लाभ बराबर 3 के बराबर 3 गुणित 13,700 बराबर 41,100 रुपये। तो इस प्रश्न में हमने यह देखा कि व्यवसाय व्यवसायियों की जो साझेदारी है ए बी और सी का जो जो रुपये है जो बटेंगे 82,200 रुपये ए को, बी को बी का जो लाभ होगा 54,800 रुपये और सी को जो लाभ होगा वो 41,100 रुपये। यह इस प्रश्न का हल होगा।